हाय एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल मैं हूँ शिवानी ले आई हूँ आप लोगों के लिए एक और कमेंट चर्चा की वीडियो ये मेरा ऐसा सेगमेंट है ना जहाँ पे मैं आपके कमेंट्स पिक करके उसमें आपने मुझसे जो भी पूछा होता है उसका आपको आंसर देती हूँ तो अगर आप भी मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो उस वीडियो के नीचे जो कॉमेंट सेक्शन है ना वहाँ पर जाके आप अपना कॉमेंट मुझे भेज सकते हैं नेक्स्ट वीडियो जो आएगी कमेंट चर्चा की उसमें मैं उस पर आपको जवाब दे दूंगी आज की वीडियो के लिए ना बहुत सारे कमेंट आए थे तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई कि, कि किसको लूं किसको नहीं लूं तो अगर आपका कमेंट मैं इस वीडियो में अगर पिक नहीं कर पाई तो अगेन आप दोबारा से कॉमेंट कर देना तो हो सकता है मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे पिक कर लूँ आइए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो और ये शायद बताने की ज़रूरत नहीं है आप खुद ही समझदार होंगे कि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक दबाना होता है भाई ताकि यूट्यूब को भी पता चले एक अच्छी वीडियो है इसे और लोगों तक पहुँचाया जाए

हेलो मैम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फर्स्ट टाइम सेक्स किया था वो भी उसे डेट थी तो कैसे पता चलेगा कि वो पहले सेक्स की है कि नहीं उसे पूछ लो ना वो बता देगी आपको अगर उसकी पीरियड्स की डेट नहीं होती तो भी ब्लड आया या नहीं आया वो कोई प्रूफ नहीं होता वर्जिनिटी का फेक ब्लड भी आजकल लोग क्रिएट कर देते हैं आपकी जैसी थिंकिंग के लिए क्योंकि आपको प्रूफ चाहिए होता है उनकी वर्जिनिटी का एंड यू प्रूव माई पॉइंट थैंक यू सो मच क्योंकि लास्ट कॉमेंट चर्चा की वीडियो में मैंने ये चीज़ जब बोली थी तो कुछ लड़के मुझे कॉमेंट में ऐसा बोल रहे थे कि कोई भी लड़का ऐसा नहीं होता कि वो लड़की पर ट्रस्ट ना करे वो उसकी वर्जिनिटी टेस्ट करे ऐसे कोई नहीं होते पता नहीं आप ऐसा क्यों बोल रहे हो इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि ऐसे कमेंट्स आते हैं मेरे पास लड़के चाहते हैं प्रूफ लड़के चाहते हैं कि उन्हें कहीं से पता चल जाए कि लड़की वर्जिन ही थी एंड यू प्रूफ माय पॉइंट थैंक यू सो मच तो अगर वो लड़के ये वीडियो देख रहे हैं तो देख लीजिए ऐसे शायद मेजॉरिटी में लड़के हैं उनको एक प्रूफ चाहिए होता है एक तसली चाहिए होती है मन में कि हाँ अब इसको मैंने देख लिया ब्लड देख लिया तो मतलब मेरी गर्लफ्रेंड ने किसी के साथ नहीं किया और इसीलिए लिए लड़कियाँ फ़ेक वर्जिनिटी का ऑपरेशन कराती हैं फेक वर्जिनिटी क्रिएट कर रही हैं फेक वर्जिनिटी वाले जो कैप्सूल हैं वो यूज़ कर रही हैं कि भाई लड़के को दिखा दिया कि देख ले ब्लड आ गया अब तू ना कोई क्वेश्चन मार्क मत करियो मेरे ऊपर जबकि उनके पता नहीं ना जाने कितने रिलेशनशिप रहे हो ना जाने कितनों के साथ उन्होंने कैजुअल सेक्स किया हो तो बहुत ज़रूरी है कि इन सब चीज़ों से थोड़ा बाहर आइए देखिए रियलिटी को दुनिया में क्या हो रहा है नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं मैम फोर प्ले करते करते डिस्चार्ज होता हो तो क्या करें तो फोर प्ले मतलब आप ज़्यादा टाइम कर रहे हो आप थोड़ा सा उसे कम टाइम के लिए करिए और अगर हो भी जा रहा है तो क्या हुआ और थोड़ा फोर प्ले कर लो दोबारा से एक्साइटेड हो जाओ यही दो इसके सोल्यूशन हो सकते हैं नेक्स्ट कॉमेंट है मैम मैंने अपने फिंगर से प्रीकम को साफ किया और फिर फिंगर को क्लोथ से पहुँच के फिर वजायना के अंदर फिंगर डाली तो क्या इसे प्रेगनेंसी होगी प्रीकम में वैसे तो चांसेस बहुत कम होते हैं प्रेगनेंसी के इट और उसके बाद भी अगर आपने साफ़ कर लिया है तो आई डोंट थिंक इसमें प्रेगनेंसी के इतने ज़्यादा चांस हैं लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूँगी कि ऐसे एक्सपेरिमेंट्स ना करें तो अच्छे से वॉश वगैरह करना साफ़ करना मतलब साबुन से या पानी से वो ज़्यादा अच्छा रहेगा नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं हाय शिवानी आई हैव अ क्वेश्चन टू आस बहुत अच्छे से इन्होंने चीज़ें लिखी हैं आप पढ़ लीजिएगा स्क्रीन पे यहाँ पे मैं में मेंशन कर दूंगी पूरा क्वेश्चन पढ़ने लग जाऊंगी तो बहुत टाइम निकल जाएगा बेसिकली बात ये हो रही है कि जो नो फैब बोला जाता है मतलब कि आप मेस्ट्रोबेशन मत करिए अपने सीमन को बचा के रखिए सीमन रिटेंशन करके एक शायद वर्ड है तो उससे अगर फायदा होता है या नहीं होता है और ये चीज़ जो बोली जाती है कि सीमन बड़ी मेहनत से आपकी बॉडी बनाती है आपके ब्लड से बनाती है कई दिनों में बनता है इसमें सच्चाई है या नहीं है देखिए मैं बस इतना बोलना चाहूंगी कि आपकी बॉडी कॉन्टिन्यूअस काम करती रहती है आपका सीमन बाहर निकलेगा या नहीं निकलेगा आपकी बॉडी काम करना बंद नहीं करेगी आज अगर आपका कोई सीमन निकला है अगर वो पिछले तीस दिन में बना था तो अगले तीस दिन भी वो मेहनत करती रहेगी मतलब आप एक बात समझो कि आज का जो आपका सीमन है वो पिछले तीस दिन में शायद बना नेक्स्ट डे अगर फॉर एग्जाम्पल आपने किया तो उसके पहले के तीस दिन में किया मतलब आप समझ रहे हो कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है ऐसा नहीं है कि आपकी बॉडी ने काम करके फिर वो बंद कर दिया वो कॉन्टीन्यूअस काम करती रहती है करती रहती है, करती रहती है तो मतलब पता नहीं मैं इस चीज़ को कैसे समझाऊँ मुझे शायद सही शब्द नहीं मिल रहा है इस चीज़ को अच्छे से समझाने के लिए पर मैं थोड़ा दूसरे वर्ड्स में आपको ये चीज़ समझाना चाहूंगी कि देखिए मेस्ट्रोवेशन करना कोई गलत नहीं है लेकिन हाँ अगर आप रेगुलर बेस पे डेली बेसिस पे मेस्ट्रोवेशन करते हो तो डेफ़िनेटली आपकी फ़िजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ स्पेशली मेंटल हेल्थ पे वो ज़्यादा प्रभाव डालता है आपको इसका एडिक्शन हो सकता है आपकी बॉडी को इस तरीके के अर्ली डिस्चार्ज की क्विक डिस्चार्ज की आदत लग सकती है आपकी बॉडी हो सकता है शादी के बाद में जब आप अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट हो उसमें उसको मजा ना फील हो वो आपसे मेस्ट्रोबेशन ही डिमांड करे आप इसी तरीके से सेटिस्फाइड हो या इसी तरीके से आपका डिस्चार्ज हो तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लमेटिक काफ़ी हो जाती हैं बाद में और इसीलिए बोला जाता है कि बहुत ज़्यादा आपको इन सब चीज़ों में नहीं लगना है और सबसे बड़ी बात मैस्ट्रोपेशन में इंसान कब पड़ता है जब उसकी टीन हो यंग एज हो तो ये वाला टाइम होता है बहुत ज़्यादा अपने करियर पर ध्यान देने का खुद को कुछ बनाने का तो अगर इस तरफ आप लग जाओगे तो शायद आप वहाँ पर अपना इनपुट नहीं दे पाओगे तो इस समय आपकी सारी एनर्जी की दिशा वो वाली होनी चाहिए कभी कभार आपका मन करता है फॉर एग्जाम्पल महीने में एक दो बार करना ठीक है मुझे ऐसा लगता है या चलो तीन चार बार तक मैक्सिमम उस से ज्यादा अगर आप कर रहे हो तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं फिर आप बहुत ज्यादा इस तरफ ध्यान दे रहे हो तो इस चक्कर में अगर आपका बहुत ज्यादा ध्यान इस तरफ जा रहा है आप पॉन बन रहे हो एडिक्ट बन रहे हो तो उन लोगों के लिए नो फैप करना बहुत एक अच्छा आ, एक मतलब एक तरीका हो सकता है उससे बचने का दूसरा जो लोग सन्यासी जीवन जीना चाहते हैं ब्रह्मचर्य में जाना चाहते हैं जिनको गृहस्थ जीवन जीना ही नहीं है उनका लाइफ का पर्पज अलग है गोल अलग है उनके लिए एक सही चीज़ हो सकती है लेकिन अगर आपको अल्टीमेट शादी ही करनी है बच्चे करने हैं तो उसके लिए तो फिर आप ये वाली चीज़ों में पढ़ोगे ना कि सीमन टेंशन करना है सीमन को मुझे कहीं और उस एनर्जी को लगाना है ये वाली चीज़ें फिर थोड़ा सा मतलब कॉन्ट्राडिक्ट हो जाती हैं बात को तो अगर आप एक गृहस्थ जीवन में जाना ही चाहते हो आपका जो लाइफ का पर्पज़ है आप उसको पकड़ के चलिए अगर आपका पर्पज़ है कुछ और अध्यात्म की तरफ जाना एक ब्रह्मचर्य वाला लाइफ जीना एक सन्यासी जीवन जीना तब आप इन सब चीजों को पकड़ के चलिए अदरवाइज तो आप ये देखिए कि आपका अभी के लिए पर्पज क्या है फॉर एग्जाम्पल अभी आपकी एज बीस साल है तो अभी आपके लाइफ का गोल क्या है कुछ बनना अपना एक करियर बनाना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना उस पर्पज पे काम कीजिए उसके बाद अगर आपकी शादी हो गई एक लाइफ पार्टनर आ गया तब आपका पर्पज क्या है अपनी फैमिली के प्रोवाइडर बनना अपनी फैमिली आपकी अच्छी से चले अपने पार्टनर के साथ आपका एक अच्छा तालमेल हो जब बच्चे हो गए तो उनकी जिम्मेदारी भी आ जाती है तो अपना एक पर्पस डिफाइन करो आपका पर्पस लाइफ का कभी भी सेक्सुअली बहुत ज़्यादा मज़े लेना या मेस्ट्रोबेट करके वो थोड़े से क्षण भर की जो एक खुशी मिलती है उसको लेना नहीं है आपका पर्पज़ होना चाहिए लाइफ लॉन्ग आपकी लाइफ में एक पीस हो शांति हो सुख हो तो उस पर्पज़ को पकड़ के चलिए और कहीं ना कहीं आपको पर्पजफुल रखने के लिए ही ये सारी चीजें जो आयुर्वेदा में हैं या इस तरीके की नोफैब ये सब चीजें बोली जाती हैं वो उसी लिए हैं तो आप कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलिए इतना ज्यादा टेक्निकल चीजों में मत जाइए कि कॉन्सेप्ट क्या है क्यों ये चीज बोली जा रही है उस क्यों को पकड़ के चलिए पर्पज को पकड़ के चलिए मैं यही बोलना चाहूंगी बाकी बहुत ज्यादा टेक्निकल शायद मैं नहीं समझा पा रही हूँ Uh, और ऐप्स पे आप रिसर्च करिएगा तो और शायद आपको और अच्छे से पता चल पाए या किसी को अगर पता हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं मैडम जी नाइट फॉल होने पर मुझे मेरे कपड़ों से घिन आती है और अंडरवेयर वॉश करने के टाइम में ज़्यादा लगता है काइंडली सजेस्ट टिप्स टू वॉश इंडरवियर टू रिमूव सम मैनल डिस्चार्ज डिस्चार्ज कोई ऐसा नहीं है कि वो इजीली रिमूव ना हो आप अपने अंडरवेयर्स को एक बाल्टी पकड़ लो आप या फिर एक मग्गा पकड़ लो और उसमें आप थोड़ा से सर्फ के साथ उसे डुबो के रख देंगे थोड़ा सा सरगड़ के साफ कर देंगे हो जाएगा नहीं तो आप जैसे मशीन में कपड़े धोते हैं तो मशीन में भी धो सकते हैं मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ उसके स्टेन्स वगैरह रह जाते हैं अगर आप अच्छी क्वालिटी का अंडरवेयर यूज़ करते हो कॉटन का यूज़ करते हो तो वैसे ही वो ईजिली जल्दी से साफ हो जाता है धूप में आप सुखा सकते हो धूप से क्या है ना कि बैक्टीरिया वगैरह भी ईजिली क्लीन हो जाते हैं आप चाहो तो धोने के टाइम पर थोड़ा सा लिक्विड भी यूज कर सकते हो तो और अच्छे से वो क्लीन हो जाएगा तो इतना ज्यादा कोई डिफिकल्टी की बात नहीं है आप इजीली कर सकते हो नेक्स्ट कमेंट है मैम इंच साइज नॉर्मल होता है क्या प्लीज रिप्लाई uh, ये साइज़ का क्वेश्चन बहुत बार बार आ रहा है और आप इसकी ही तरफ से आ रहा है मुझे साइज पे मैंने वीडियो बनाई हुई है और अगर आप उसे देखेंगे तो आई थिंक मैंने बहुत अच्छे से समझाया है कि ये साइज वाइज के चक्कर में आपको इतना नहीं पढ़ना चाहिए जैसे कि आपकी हाइट अगर पांच फुट नौ इंच है हो सकता है बहुत सी लड़कियों को आप छोटे साइज़ के लगो आपकी हाइट वाइज बहुत सारी लड़कियों को आप लंबे लगो डिपेंड्स अपॉन कि उस लड़की की खुद की हाइट क्या है अगर एक पाँच फुट की लड़की है तो उसको आपकी हाइट ठीक लगे या इवन ज़्यादा लगे वहीं एक लड़की अगर खुद पाँच छः पाँच सात की है तो उसको आपकी हाइट थोड़ी कम लगे एक्सपेक्ट करे वो कि थोड़ा और ऊंचा लड़का हो मुझसे तो इट डिपेंड्स डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों पे डिपेंड करता है आपकी पार्टनर की क्या प्रेफरेंस है उसकी क्या चॉइस है हो सकता है कि उसको सेक्स वाइज इतना चाहिए ही ना हो, हो सकता है उसको इमोशनल बॉन्ड ज़्यादा चाहिए हो हो सकता है कि उसको फोर प्ले ज़्यादा चाहिए हो हो सकता है कि उसको आप किस तरीके से अपना लव एक्सप्रेस कर रहे हो वो ज़्यादा अच्छे से चाहिए हो एक पीसफुल लाइफ एक सपोर्टिव हस्बैंड, वो उसकी डिमांड हो ना कि आपका मेल पार्ट का साइज सो इट डजेंट मैटर आपको इतनी इनसिक्योरिटी क्यों है और आपने ये साइज़ कैसे मेज़र किया है मुझे तो ये भी नहीं पता तो पहली बात तो आपको अपने पिनिस को इरेक्ट करना है पूरी तरीके से जब वो इरेक्ट हो जाए तब उसे मेज़र करना है साइड से मेज़र करेंगे तो पूरा साइज़ आप ले सकते हैं और उसके बाद में आप गूगल पे जाइए और चेक कर लीजिए एवरेज पिनस साइज़ अगर आप इंडिया में रहते हैं तो इंडियन मेल या इंडियन मैन ऐसे करके आप सर्च कर सकते हैं अगर कंपेयर ही करना है तो एक बार वहाँ से कंपेयर कर लीजिए पर मैं फिर भी बोलना चाहूँगी आपके मन में ये इनसिक्योरिटी है आपका मन में ये है कि आपकी पार्टनर आपको रिजेक्ट कर देगी पर सच में पता नहीं ऐसा हो या ना हो वो क्यों रिजेक्ट करेगी भाई आपको वो क्या आपकी खड़े होके एग्जीबिशन लगा रही है दस लड़कों के साथ में कि इसका छोटा है इसका बड़ा है बड़े वाला मुझे चाहिए नहीं यार लड़कियां ऐसे नहीं सोचती मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि शायद हम इमोशनल बॉन्ड एक पीसफुल लाइफ एक सपोर्टिव हस्बैंड एक अच्छी उसके साथ अंडरस्टैंडिंग हो ये शायद ज़्यादा प्रेफरेबल होता है और अगर कोई लड़की आपको इस तरीके से जज कर भी रही है ना तो वो शायद बिल्कुल भी सही पार्टनर नहीं है आपके लिए आप खुद सोचिए कि क्या आप एक लड़की को ऐसे जज करेंगे कि उसका ब्रेस्ट का साइज़ क्या है या उसके जो बट हैं वो कैसे शेप के हैं उसका फ़िगर कैसा है अगर आप उनको इस तरीके से जज करोगे तो उनको भी नहीं अच्छा लगेगा मतलब ये तो कुदरती देन है ना कि हमारी बॉडी कैसी है लड़कियाँ फिर भी अपना एक फ़िगर को मेंटेन कर सकती हैं थोड़ा सा अपना फिजिकली एक्टिव के एक्सरसाइज करके लेकिन एक लड़के का प्लिन साइज वो कैसे बढ़ाएगा सिर्फ और सिर्फ सर्जरी से ही वो बढ़ सकता है तो ऐसी अनरियलिस्टिक डिमांड अगर कोई लड़की रखती है तो शायद वो फिर सही पार्टनर है ही नहीं आपके लिए नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं हेलो मैम रिक्वेस्ट प्लीज़ 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 रिप्लाई मी मैम मैं बॉय हूँ और मुझे ब्रा पैंटी ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है कि आपको ब्रा पैंटी पहनने का शौक़ है आप बार बार मन करता है और आपको ये खुद गलत भी लग रहा है तो अगर लग रहा है तो उसको छोड़ने की कोशिश कीजिए ये कहीं ना कहीं आपका फिर एडिक्शन है और एडिक्शन कैसे छोड़ा जाता है उस पर तो मेरी कई वीडियो है वैसे आपको मिल जाएंगी आप सर्च भी कर सकते हैं तनुषयन फैमिली एडिक्शन वीडियो और यहाँ पर मैं बस आपको यही सलाह देना चाहूँगी कि जहाँ पर आप मन में ठान लो ना कि मुझे ये कर है वो आप कर सकते हो अगर आपको खुद को ही सही नहीं लग रहा आपको खुद में गिल्ट फील होता है तो डेफिनेटली वो चीज आप सही नहीं कर रहे हो अगर आपको सही लगता है बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो लड़कियों की तरह करते हैं हैं क्रॉस ड्रेसर और उनको उसमें अच्छा फील होता है उनको दुनिया की फर्क नहीं पड़ता है और वो अपने में खुश हैं दैट्स अ डिफरेंट केस लेकिन आपको खुद में ही अगर गिल्ट फील हो रहा है तो फिर आपको ये छोड़ देना चाहिए खुद में जिस चीज में खुशी मिले आपको वो वाली चीजें करनी चाहिए आपने अगर अपने साइज की खरीद के रखी हुई हैं बड़ा तो उनको डिस्कार्ड कर दीजिए आप थ्रो कर दीजिए और आप अपना ध्यान ना कहीं डाइवर्ट करने की कोशिश कीजिए अगर दूसरी कोई ऐसी चीज़ है जिसमें आपको इंटरेस्ट है जहाँ पे आपका मन लगता है आप वहाँ मन लगाइए आपका जब मन करे ऐसा करने का तो तुरंत अपने मन को डाइवर्ट कर दीजिए कहीं और दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ पर ले जाइए फैमिली वालों के साथ आप चले जाइए डेफिनेटली आपको फैमिली वालों के साथ ऐसे ख्याल नहीं आएंगे फ्रेंड्स के साथ चले जाइए कहीं घूमने चले जाइए कहीं बाहर चले जाइए तो इन थॉट्स को आपको नेग्लेक्ट करना है तो ऐसे ही आप धीरे धीरे करके इनसे बाहर निकल आएंगे नेक्स्ट कॉमेंट पे आते हैं मैम हालांकि मेरा तो सील बहुत पहले ही तोड़ चुका है अभी कुछ भी नहीं बचा ठीक है वो तो लड़कियों को मालूम बढ़ जाएगी कि ये वर्जिन नहीं ओके okay, ये कहना चाहती हैं कि अगर इनका सील टूटा हुआ है मतलब इन्होंने पहले सेक्स कर लिया है वो जिससे शादी होगी उसको पता चल जाएगा लेकिन ये भी पता करना चाहती हैं कि लड़के का आ, कोई पास था या नहीं वो वर्जिन है या नहीं तो पहली बात तो तो देखिए मुझे वर्ड ही बहुत अजीब लगता है सील सील तो ऐसा हो गया ना कि कुछ बंद है लड़कियों का कुछ ऐसे बंद होता ही नहीं है मैं ये फिर से बोलना चाहूंगी पहले भी मैंने बोला है पीरियड्स का ब्लड बाहर आता है वो जैना से अगर बंद ही कुछ होता तो कैसे बाहर आएगा अगर बंद होगा तो जो डिस्चार्ज uh, निकलता है एक वाइट डिस्चार्ज निकलता है क्लीनिंग प्रोसेस होता है बॉडी का वो कैसे होगा उसमें पहले से ही एक छेद होता है जो कि सेक्स के टाइम पे या मेस्ट्रोबेशन के टाइम पे या कुछ भी ऐसा सेक्सुअल टॉय वगैरह यूज़ करने के टाइम पे थोड़ा सा बढ़ जाता है स्ट्रेच हो जाता है वहाँ पे थोड़ी जगह बन जाती है अब उस स्ट्रेचिंग के प्रोसेस में हो सकता है एकदम से अगर वो हुआ तो कुछ ब्लड वगैरह आ जाए कुछ लोगों के नहीं आता है सो so, ब्लड आना कहीं से भी निशानी नहीं होती मैं फिर से बोलना चाहूँगी वर्जिनिटी की और जहाँ तक आपने पूछा कि लड़के का कैसे पता चलेगा तो मुझे नहीं पता लड़कों का कैसे पता चलता है और मुझे ये भी नहीं पता लड़कियों का कैसे पता चलता है तो आई थिंक जितना मैंने इसके बारे में पढ़ा है रिसर्च करी है लड़का और लड़की की वर्जिनिटी सिर्फ वो खुद ही बता सकते हैं कि वो वर्जिन है या नहीं है उसने पहले कहीं सेक्शुअल रिलेशनशिप बनाया है या नहीं है इसके बाद और कोई क्वेश्चन नहीं है यही से सारे क्वेश्चन जो मैंने आज की वीडियो के लिए पिक करे थे आई होप आपको मेरे रिप्लाई सही लगे हों अच्छे लगे हों अच्छे लगे हों तो एक लाइक like कर देना और ज़्यादा अच्छे से और अप्रिशिएट करने के लिए मुझे आप सुपर थैंक्स भी कर सकते हैं उसका भी ऑप्शन आपको लाइक like के साथ में दिख जाएगा आज की वीडियो के लिए इतना ही मैं चलती हूँ मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ कोई और वीडियो की रिक्वेस्ट हो और कोई इस सीरीज के लिए सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं अभी के लिए इतना ही बाय टेक केयर